इतने दिनों से देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है। लोग मौसम में थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे, तो वहीं बीते दिन मौसम ने राहत तो दी, लेकिन इसके साथ ही हैरत में भी डाल दिया। इतनी तेज आंधी तूफान आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली NCR में शुक्रवार को दिन भर तो तेज धूप निकली रही, लेकिन शाम होते होते अचानक मौसम बदल गया। रात 8 बजे के बाद शुरू हवा 10 बजे आंधी में तब्दील हो गई, और इससे शहर के ज्यादातर इलाकों में रात को बिजली गुल हो गई और खूब आंधी तूफान चला, जिसकी वजह से मशक्कत भी करनी पड़ी। सबसे पहले बात करें दिल्ली NCR की, तो दिन में तेज धूप निकली रही और रात को ये आंधी तूफान में बदल गई। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी के कारण कई पेड़ गिरने की खबर आई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि तूफान की वजह से दिल्ली के कुछ हिस्सों में इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है, लगभग 17 लोग घायल हुए हैं। मौसम बिगड़ने के कारण DND पर लंबा जाम लग गया। नोएडा के कई इलाकों में इसी कारण बिजली चली गई। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। तेज आंधी आने से अधिकांश इलाकों में यही समस्या हुई और धूल भरी आंधी चलने से लोगों को काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं आज का मौसम बताएं तो आज भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के बाद हल्की बारिश भी हो सकती है और इसकी वजह से तापमान अगले 3 दिनों तक 40 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना फिलहाल नहीं है। अगले हफ्ते बुधवार से गर्मी बढ़ने लगेगी और साथ ही वीकेंड तक लू चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि NCR में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। लोनी, देहात, हिंडन स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, रोहतक, खरखोदा, बड़ौद, बागपत, खेकड़ा के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान प्रभाग यानी IMD ने मौसम स्थिति को देखते हुए कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की बात कही है। केरल के अल्लापुजा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू चलने की बात कही है। गुजरात में 13 मई तक गर्म दिन रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा में 12 मई तक बारिश, आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने की बात कही है। महाराष्ट्र में 12 मई को इसी तरह मौसम स्थिति की उम्मीद की जा सकती है। तो वहीं खास खबर दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली NCR में आज और कल के लिए भी आंधी तूफान के लिए अलर्ट किया गया है। थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।